नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। शहर के वृद्ध पेंशनधारियों की पेंशन बढ़ाकर घर के पास की बैंक शाखाओं से समय पर भुगतान करने की मांग को लेकर महिला कांग्रेस ने हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन करते हुए सीएम हाउस का घेराव किया। वृद्ध पेंशनधारियों को ठेले पर बैठाकर जैसे ही महिला कांग्रेस की पदाधिकारी कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा के साथ सीएम हाउस के लिए आगे बढ़ी तो पुलिस ने उन्हें जनसंपर्क संचालनालय के समीप ही बैरिकेडिंग कर रोक लिया। इस दौरान महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक हुई। कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा वृद्धा पेंशनधारियों को हाथ ठेले पर बैठाकर उसको धक्का लगाते हुए नजर आए। प्रदेश अध्यक्ष विभा पटेल, जिला अध्यक्ष संतोष कंसाना और कार्यवाहक अध्यक्ष तस्लीम वाहिद लश्करी ने सीएम के नाम ज्ञापन एडिशनल डीसीपी राजेश कुमार भदौरिया को सॉफ्टवेयर जल्द व्यवस्था में सुधार लाने की गुहार लगाई। कांग्रेस नेताओं ने ज्ञापन सौंपने के बाद कहा कि वृद्ध पेंशनधारियों को अभी 600 रुपये महीने के हिसाब से पेंशन मिल रही है, वह भी कांग्रेस सरकार की देन है, लेकिन 600 रुपये से उनके घर का गुजारा नहीं हो रहा है। सरकार उन्हें तत्काल 2000 रुपये पेंशन देने का आदेश कर प्रतिमाह 10 किलो अनाज वृद्ध पेंशनधारियों को फ्री दे। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। सबके लिए 600 रुपए इनको प्रतिमा पेंशन मिलती है और 600 रुपए मिलने के बाद भी जो है इनको कोलार से बैंक दिए गए हैं। अभी बताइए, रोशनपुरा भीमनगर के लोग रहते हैं, वो कोलार से उनको पैसे मिलेंगे 100-150 रुपए तो किराए में ही लग जाते हैं। तो आज इन्हीं मांगों को लेकर उसके बाद भी इनको समय पर पेंशन नहीं दी जाती। तो हम इन मांगों को लेकर आज हम घेराव कर रहे हैं कि समय पर इनको पेंशन दी जाए और इनकी पेंशन 600 रुपए से बढ़ाकर 2000 रुपए पेंशन की जाए और विधायकों के सांसद के सबके मानदेय बढ़ा दिए जाते हैं, मगर इन गरीबों की जब बात आती है तो इनके हक पे लात मारी जाती है। हम शिवराज जी से कहना चाहते हैं कि समय पर इनको कम से कम पेंशन दीजिए और पेंशन बढ़ाई जाए। इस कदर की विकलांग ऐसी महिलाएं हैं जिनके बहू बेटे बच्चे रखते नहीं है, 600 रुपए में किस तरह से उनका गुजारा होगा और 10 किलो उनको फ्री अनाज भी दिया जाए साथ ही साथ। एक मिनट रुको, चेहरा खूबसूरत तो दिख रही है, आप बताइए। हमारे मुख्यमंत्री साहब जो है नई नई योजना निकाल रहे हैं, ये एक भी योजना लागू नहीं होती। महिलाएं परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं, 2 किलो अनाज कर दिया है केंद्र सरकार से, जो आधा पैसा मिलता है ये आधा मिला के देते नहीं है। और कर्मचारी जो है नगर निगम के, ये हमारी माताओं बहनों को और हमें बहुत परेशान करते हैं, 10 चक्कर काटने लगाते हैं। और मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि पेंशन की जाए 2000 रुपये महीना, और वक्त पे हम जहाँ रहे थे वहीं पे बैंक में हमारा खाता का जो इशू किया है वहीं पे हमारा खाता का पैसा भेजा जाए, ये हमारी मांग है। देखिए, बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री जी से हम कहना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, ये गरीब जनता वो जनता है जो 300 रुपए पेंशन के लिए, 600 रुपए पेंशन के लिए कोलार जाती है, इतनी दूर 150 रुपए इनके आने जाने में खर्च हो जाता है। और ये 600 रुपए भी माननीय कमलनाथ जी की देन है, और आज अगर कांग्रेस की सरकार होती तो 1000 रुपए इन लोगों को पेंशन मिलती। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से आज पूरी गरीब जनता परेशान है, इनको 2 किलो गेहूँ दिया जा रहा है, 2 किलो गेहूँ में होता क्या है, कम से कम 10 किलो इनका अनाज किया जाए, 2000 इनकी पेंशन की जाए, अन्यथा आने वाले समय में ये महिला कांग्रेस और बड़ा धरना प्रदर्शन करेगी। बोलो ना, बोलो क्या मालूम है? 600 रुपए मिलती बाबूजी, हर महीने मिल जाती है? नहीं मिलती है हर महीना, कभी 15 दिन ज्यादा हो जाते, कभी 20 दिन ज्यादा हो जाते, जब मिलती है। पहले 10 तारीख को मिली, अभी 18 तारीख को मिली थी, और अब क्या मालूम कितने तारीख को मिले। कहाँ रहती हो आप? कहाँ? हम श्याम नगर रहते हैं। तो पेंशन कहाँ मिलती है? वही पास में। तो कुछ फ्री अनाज बना करना? 2 किलो मिलता है, वो राशन कार्ड में, ये लाई हूँ राशन कार्ड, 2 किलो मिलता है। आप बताओ पेंशन को लेकर प्रदर्शन क्यों? देखिए, ये 3 इशू हैं इसमें। जब कमलनाथ जी की सरकार थी तो उन्होंने 300 से बढ़ा के 600 कर दिया था, 1 महीने सरकार और होती तो 1000 हो जाता। और मांग है कि 2000 करें, महंगाई बढ़ रही है, डीजल पेट्रोल रसोई गैस सब के भाव बढ़ रहे हैं, आटा दाल के भाव बढ़ रहे हैं, तो ये 2000 करें। दूसरा, समय पे नहीं मिलती हर, अरे पेंशन जो गरीब आदमी को 600 महीने के महीने दे दो, वो नहीं मिल रही है। अब रोशनपुरा पे रह रहा है पेंशनधारी और बोले कोलार से लेके आओ, ये सब नाटक हैं। इसलिए मुख्यमंत्री निवास पे जा रहे हैं और वहाँ घेराव करेंगे और ये ज्ञापन देंगे कि भैया खूब गरीबों की बात करो, खूब लाडलियों की बात करो, ये बुजुर्ग महिलाओं का भी तो ध्यान रखो, पुरुषों का। इसलिए ये मार्च है मुख्यमंत्री निवास तक। इस खबर पर आपकी क्या राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।